हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब के टेक्नो रेल में। आज मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो एक्सीडेंट डेरेलमेंट होते हैं, तो मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन, मेल एक्सप्रेस हो, तो इनके डिब्बों का गिरने के बाद क्या किया जाता है, इनको उठा के कहीं रखते हैं या इनका कैसे इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आज की वीडियो में आपको हम ये डिटेल में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो डेडमेंट के बाद कोचेस गिर जाते हैं, तो उसमें इनको उठाना एक असंभव काम है और उसके बाद भी फिर इनको मेंटेन कराने के बाद कोई फायदा नहीं। तो इनको जहाँ पर गिरते हैं साइड में ही पड़े रहन दिया जाता है और इनका कोई इस्तेमाल दोबारा नहीं होता है। कई बार इनको पॉलीथीन से ढाक दिया जाता है ताकि लोग ना देखें, ना इनको कुछ बुरा इंप्रेशन बनाए, लेकिन इस तरह से ये कवर हट ही जाता है और ये ट्रैक के किनारे आपको काफ़ी साल पुराने पुराने डिब्बे पड़े हुए मिल जाएंगे। तो मालगाड़ी के डिब्बे हों, चाहे मेल एक्सप्रेस ट्रेन के हों, कोचेज हों, मालगाड़ी के डिब्बे को वैगन्स कहते हैं, तो वैगन भी जो गिर जाते हैं वो किनारे पड़े रहते हैं और आज से नहीं बहुत सालों से वो ट्रैक के किनारे ही पड़े हुए हैं और उनको ऑफ द ट्रैक करना कहते हैं। जो कुछ ऐसे डिरेल होते हैं या वैगन्स जिनके पहिए खाली या चक्के उतरे हों पटरी से, तो उनको तो रीरेल कर देते हैं, उनको रीरेल करना कहते हैं, और जो किनारे ट्रैक से बाहर आ जाते हैं उनको और क्रेन के सहायता के द्वारा ऑफ द ट्रैक कर दिया जाता है और वो हमेशा के लिए वहीं पड़े रहते हैं। तो देखा आपने जो है ये किस तरह से हमारे ट्रेन के डिब्बे गिरने के बाद लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है और ये डिब्बे हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इनको दोबारा यूज़ करने में इनकी कॉस्ट से ज़्यादा खर्चा आएगा। तो अगर डेडमेंट हुआ तो बहुत बड़ी क्षति होती है ट्रैक के साथ साथ डिब्बों की। ट्रैक तो रिपेयर हो जाता है जिसमें कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चा आता है, लेकिन डिब्बे हमारे करोड़ों रुपए बर्बाद करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आज के लिए बाय, और अभी तक आपने मेरा चैनल टेक्नो रेल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस